कारोबारी ठगी का शिकार हुए हैं। तीन ठगों ने इन चार सराफा कारोबारी से 90 लाख की ठगी की है। आरोपियों ने इनसे सोना खरीदने के बाद पेमेंट नहीं किया। आरोपियों की सदर बाजार में सियाराम ज्वेलर्स नाम से दुकान है। पिछले सप्ताह आरोपी दुकान बंद कर फरार हो गए। तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने ठगी का केस दर्ज कर लिया है। रायपुर से और बता रहे हैं बड़ी खबर है, जहां पर चार सराफा कारोबारी ठगी का शिकार हुए हैं। तीन ठगों ने इन सराफा कारोबारियों से 90 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। आरोपियों ने इनसे सोना खरीदने के बाद पेमेंट नहीं किया। आरोपियों की सदर बाजार में सियाराम ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उन्होंने दुकान खोली थी। पिछले सप्ताह आरोपी दुकान बंद करके अब फरार हो गए हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने ठगी का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी किसी भी ठग को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस लगातार ठगों की तलाश कर रही है। तो यहां पर ठगों ने 90 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां चार सराफा कारोबारी ठगी का शिकार हुए हैं। तीन ठगों ने इन चार सराफा कारोबारियों से 90 लाख की ठगी की। आए दिन रायपुर से इस तरह के ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अक्सर लोग यहां ठगी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठगी की इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा। तो यहां पर 90 लाख की ठगी देखने को मिली है, जहां चार सराफा कारोबारी एक साथ ठगी का शिकार हुए। आरोपी इनके पास आते हैं। आरोपियों ने सोना खरीदा, उसके बाद पेमेंट नहीं किया, जिसके बाद आरोपियों ने सदर बाजार में सियाराम ज्वेलर्स के नाम से दुकान भी खोली थी, लेकिन अब इन आरोपियों की दुकान भी बंद है। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है। रायपुर से आपको और बता रहे हैं, जहां पर चार सराफा कारोबारी ठगी का शिकार हुए हैं। तीन ठगों ने इन चार सराफा कारोबारियों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। बहुत ही शातिर थे तीन ठग। इन्होंने पहले सियाराम ज्वेलर्स के नाम से सदर बाजार में अपनी दुकान खोली, जिसके बाद उन्होंने सराफा कारोबारियों का भरोसा जीता, उनसे सोना खरीदा, पेमेंट नहीं किया। सोना खरीदने के बाद आरोपियों की दुकान बंद मिल रही है। सराफा कारोबारी लगातार इनकी दुकान के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दुकान बंद है। और पिछले सप्ताह आरोपी दुकान बंद करके अब फरार भी हो गए हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने ठगी का केस दर्ज कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या कोई जानकारी है? हाँ, देखिए, इस पूरी ठगी को बेहद चलाकी भरे तरीके से अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने बकायदा सदर बाजार, जहाँ पर सराफा मार्केट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक सियाराम ज्वेलर्स के नाम से दुकान खुली थी। और यह दुकान एक साल या दो साल नहीं, सिर्फ दो महीने पहले यहाँ खुली थी। और इसमें जो अपराधी हैं, जो चार सराफा व्यापारी हैं, वो ठगी का शिकार हुए हैं। आरोपियों ने उनको बकायदा दुकान खोलकर 90 लाख की ठगी उनसे की। आरोपियों ने सोना खरीदने के बाद पेमेंट तक नहीं किया। व्यापारी लगातार उनको फोन मिलाते रहे, लेकिन वो दुकान करके फरार हो गए। हालांकि पुलिस उनके जो लोकेशन है उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो आरोपी है भीमा राव, उसका एक आधार कार्ड मिला है, लेकिन आधार कार्ड में जो उसका एड्रेस है वो भी फर्जी बता रहा है। जबलपुर में उसका एड्रेस है, लेकिन उसमें इस बात का पता चला है कि उसका आधार कार्ड ही फर्जी है। तो पूरे मामले की तफ्तीश में कोतवाली थाना पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेने की बात कर रही है। हेमंत, 90 लाख की ठगी हुई है, कोई छोटी मोटी ठगी नहीं है। आखिरकार अभी तक आरोपियों का कोई सुराग क्यों नहीं लगा पा रही है पुलिस? देखिए, कल ही इस पूरे मामले में एफआईआर किया गया है। जो प्रार्थी हैं, जो इसमें व्यापारी हैं, सराफा व्यापारी, उन्होंने कल ही शिकायत दर्ज कराई है। और पुलिस इसमें ये भी कोशिश कर रही है कि बाहर टीम भेजा जाए। हालांकि जब तक लोकेशन आरोपियों का नहीं मिलता, पुलिस किसी भी तरीके से बाहर जाने का फैसला नहीं ले सकती। जैसे ही उनको कोई लोकेशन मिलता है, और हालांकि अगर कोई गैंग इसमें होगा तो गैंग के बारे में भी पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। हालांकि अभी जो व्यापारी है उनसे कुछ पूछताछ चल रही है और कुछ सुराग ढूंढने में जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी के लिए।
खबर राजनांदगांव से है, जहां जिले के